चलो लेट्स स्टार्ट। सितंबर नहीं, अप्रैल 2021। अप्रैल 2021 पेपर बी। अगेन हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? थ्री क्वेश्चंस। पहला मार्कोव का है, दूसरा लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, एंड ये अपना हो गया सर्वाइवल। चलो लेट्स स्टार्ट विथ सर्वाइवल, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली काफी उससे प्रैक्टिस कर लिया है। फर्स्ट टू टाइप के क्वेश्चंस हमने किए, मार्कोव हमने कर लिया, लॉस डिस्ट्रीब्यूशन भी काफी कर लिया। तो लेट्स स्टार्ट विथ, एंड इसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स है 44। सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस इटसेल्फ। ठीक है, क्वेश्चन थ्री। बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन, सर्वाइवल पैकेज शुड बी लोडेड, सो मेक श्योर यू ऑल हैव सर्वाइवल पैकेज विथ यू। तो ये वाला कोड रन करना है, अगर नहीं है तो आई थिंक आई हैव इट। खाली ये वाला करती हूँ। हाँ, तब इसका एरर नहीं आया, इसका मतलब है ना, नहीं तो एरर आता पैकेजेस में। देखो है, अगर ये रन नहीं हो, मतलब एरर है, मतलब इसको रन मत करो अननेसेसरीली। फिर ठीक है, तो यहाँ पे दे दिया करो लोडिंग द पैकेज, ऑल्दो इसका राइटिंग का आपको कोई मार्क्स नहीं मिलता है, मतलब जिस जो कोड्स दिए हुए हैं, ये वाला इस इन कोड्स का एटलीस्ट, इफ दे हैव नॉट सेड एनीथिंग। नेक्स्ट, अ रिसेंटली डेवलप्ड ड्रग मेडिको हैज बीन यूज्ड ओवर द पास्ट 12 मंथ्स टू ट्रीट अ पोटेंशियली फेटल डिजीज। मेडिको वाज अप्रूव्ड बाय अ मेडिकल रेगुलेटर लास्ट ईयर फॉलोइंग इनिशियल ट्रायल्स, एंड सो हैज बीन यूज ओवर द पास्ट 12 मंथ्स टू ट्रीट अ पोटेंशियली फेटल डिजीज। मेडिको वॉज अप्रूव बाय अ मेडिकल रेगुलेटर लास्ट ईयर फॉलोइंग इनिशियल ट्रायल्स, एंड मोर्टैलिटी डेटा हैज बीन कलेक्टेड ओवर द पास्ट 12 मंथ्स सिंस अप्रूवल टू कंटिन्यू रिव्यूइंग द ड्रग्स इफेक्टिवनेस। दिस मोर्टैलिटी डेटा has been compared with the mortality data collected from the infected patients prior to Medico's approval, who were not administered the drug. This mortality, एक बार read करो, this mortality data has been compared with the mortality data collected from infected patients prior to the approval. ठीक है, it is suspected that gender may be a significant covariate on the mortality rate of the infected patients. तो जेंडर को हम लोग एक सस्पेक्ट मान रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर मान रहे हैं इन द मोर्टैलिटी रेट। अब देखो डेटा का फाइल दिया हुआ है, CS2B अप्रैल, ये पूरा डेटा फाइल है। सो ये वाला बेसिकली क्वेश्चन थ्री वाला डेटा फाइल, इसका मैं यहां से लिंक उठा लेती हूँ। ठीक है, दिस कंटेन्स द कंबाइंड मोर्टैलिटी डेटा फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन ऑफ 4,400 इन्फेक्टेड पेशेंट्स। द फाइल कंटेन्स फॉलोइंग वेरिएबल्स। लाइफ तो 1, 2, 3, 4, 400, 4,400 दिया हुआ है। ड्रग दिया हुआ है, रिसीव्ड ड्रग, डिड नॉट रिसीव द ड्रग। जेंडर दिया है, मेल फीमेल। स्टेटस दिया है, वन इज द डेथ ड्यू टू डिजीज एंड जीरो इज सेंसरिंग इवेंट। सेंसरिंग कैन बी ड्यू टू एनी रीजंस, रीजंस मेंशन नहीं है। एंड टाइम इन डेज एट विच द डेथ और सेंसरिंग अकर्ड इन टीजर्स विथ रेंज 1 to 365। सो 1 ईयर का ऑब्जर्वेशन 12 मंथ्स का, इसीलिए 1 से 365 डेज के फॉर्म में दिया हुआ है। बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन प्लीज लोड द CSV फाइल इन द डेटा फ्रेम मोर्टैलिटी डेटा। चलो इसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले मोर्टैलिटी डेटा, इसमें हम लोग डाल देंगे, CSV फाइल है तो रीड डॉट CSV, ये पूरा अपना फाइल है। डू वी नीड टू गिव हेडर ट्रू? यूजुअली वी डोंट गिव हेडर ट्रू फॉर
सीएसवी फाइल्स के लिए यूजुअली नहीं देते, क्या बोलो? तुम लोगों का हुआ हेड ट्रू देने से हो रहा है क्या? पर हेड टू का तो जरूर, हाँ वही पर ये आर। अच्छा ओ नहीं, एक सेकेंड, तो हम एक काम करते हैं, मैंने भूल से गलत ही फाइल कॉपी कर लिया है। ओ मैं हटा देती हूँ ये वाला। ये ना जस्ट नीड दिस पार्ट। भाई मैं सोचू क्या और है। एक बार व्यू कर लेते हैं बिकॉज बहुत बड़ा डेटा है, सो या तो हेड रन कर लो या तो व्यू कर लो। इधर देखो ये सारे अपने लाइफ विच इज इंटीजर, ड्रग इंटीजर है, जेंडर इंटीजर है, स्टेटस इंटीजर है, तो ये पूरा यहाँ दिया हुआ है समरी। लाइफ गोज फ्रॉम 1 to 4400, ड्रग 0 या 1, कौन सा टाइप ऑफ आई थिंक ड्रग है 0 1 का, रिसीव्ड ड्रग, डिड नॉट रिसीव द ड्रग, जेंडर वेयर अगेन 1 इज फीमेल 0 मेल, स्टेटस 1 इज डाइल्ड 0 इज सेंसर्ड, एंड टाइम एट विच द इवेंट हैपेंड, वेदर डेथ और सेंसरिंग। प्लॉट द कैपलन मेयर सर्वाइवल फंक्शन एस्टिमेट। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, मतलब इन तीनों क्वेश्चन में वी स्टार्टेड विद एक्चुअली द डिफिकल्ट क्वेश्चन इटसेल्फ। प्लॉट द कैपलन मेयर सर्वाइवल फंक्शन एस्टिमेट फॉर ऑल द पेशेंट्स टूगेदर विथ इट्स टू साइडेड 99.5% कॉन्फिडेंस इंटरवल। चलो करो, कैसे करेंगे? कौन सा फंक्शन यूज करते थे याद है? टेलिस्कोप सर्व ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड फिर सर्व फिट करेंगे। वेरी गुड। तो याद नहीं है तो कोई बात नहीं, याद आ जाएगा सिंस वी हैव ऑलरेडी लोडेड द डेटा, मतलब द सर्वाइवल पैकेज। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सर्व ऑब्जेक्ट बनाते हैं सर्व फंक्शन यूज करके। जिनको याद नहीं है जस्ट गो टू द हेल्प टैब एंड सर्च फॉर सर्व। क्या आ रहा है देखो, पहले हम लोग टाइम लिख, पहले हम लोग क्या लिखेंगे बताना, पहले क्या लिखेंगे? मोर्टैलिटी डेटा से डॉलर, टाइम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। वेरी गुड। टिल्ड क्या देते हैं? टिल्ड का जरूरत नहीं यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे लेने नहीं बोला है कुछ, एज इन हम लोग को सिंपल कैपलन मेयर एस्टिमेट प्लॉट करना है। तो कैपलन मेयर में हम लोग जेंडर ये सब कुछ अभी करंटली अज्यूम अलग से नहीं कर रहे, एक सेकेंड। तो इसके बाद हम लोग स्ट्रेट अवे मोर्टैलिटी, हाँ बोल, कैपिटल एस है। तो उसके बाद टाइम हो गया, द टाइम इन विच द इवेंट इज हैपनिंग, एंड देन उसके बाद क्या देते थे? इवेंट स्टेटस वाला दे देंगे, मोर्टैलिटी डेटा डॉलर स्टेटस। तो ये हमारा सर्व ऑब्जेक्ट बन गया विच वी कैन कैपलन मेयर फिट हमें लेना है। तो इसमें मैं एक नया वेरिएबल बना देती हूँ, कैपलन मेयर फिट। इसमें हम लोग सर्व फिट फंक्शन यूज करेंगे। सर्व फिट फंक्शन में पहला ऑब्जेक्ट होता है या फॉर्मूला होता है विच इज योर सर्व ऑब्जेक्ट। टिल्ट 1, टिल्ट 1 क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे कोई भी हम लोग को बोला नहीं है कोई भी फैक्टर जेंडर या कुछ भी अज्यूम करने या लेने। कैपलन मेयर नेल्सन एलन में हम लोग जेंडर वाइज वो कुछ अकाउंट में नहीं लेते थे, जैसे कॉक्स मॉडल में लेते हो, यू टेक द वेरिएबल्स इनटू अकाउंट। हियर वी आर नॉट टेकिंग एनीथिंग इनटू अकाउंट, सो जस्ट 1। एंड
खाली कॉन्फिडेंस इंटरवल आपका कॉन्फिडेंट चेंज होगा, क्योंकि यूजुअली इट इज व्हाट, यूजुअली इट इज 95, बट ह्योर क्यों नहीं आ रहा कॉन्फिडेंट, इसमें हम लोग लेंगे 0.995, 99.5 बोला ना। हाँ, सो यू रन दिस, ऑब्जेक्ट इज नॉट अ मैट्रिक्स, आई थिंक ये अच्छा स्मॉल एस होगा, ठीक है। अब इसको रन करो, चेक करो, इस टाइप का कुछ आ रहा है। इससे हमें अभी उतना फर्क नहीं पड़ता, एनी विच वेज दिस गिव्स यू द नंबर। सो एन दे दिया, इवेंट्स कितने हो रहे हैं, मतलब डेथ्स कितने हो रहे हैं वो दिया है, मीडियन एंड लोअर टेल अपर टेल दिया है। हमें पहले ग्राफ बनाना है एंड फिर उसको वेरीफाई करना है। सो यू कैन मेक अ प्लॉट, प्लॉट में क्या डालेंगे, सीधा के एम फिट डालोगे तो वो सीधा यू, इट गिव्स यू अ प्लॉट। नाउ इफ यू ऑल रिमेम्बर, दिस वॉज द एक्चुअल, ये क्या है, ये क्या एस के एस है, सर्वाइवल है कि एफ है कि लैम्डा है कि क्या है, कैपलन मेयर का, जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, ये एस के एम है, सर्वाइवल फंक्शन का प्लॉट है, एंड दैट इज व्हाट दे हैव मेंशनड, सर्वाइवल फंक्शन का एस्टिमेट। तो बाय डिफॉल्ट जब आप रन करते हो तो क्या आता है, क्योंकि एज योर टाइम इंक्रीजेस योर दिस थिंग गोज डाउन, तो आपको एक्स लैब लिखना है टाइम, यू कैन ऑल्सो से टाइम इन मंथ्स, राइट, बिकॉज टाइम इन डेज, सॉरी, वाई लैब, वाई लैब देना है तो वाई लैब भी दे सकते हो। वाई लैब में आप लोग सिंपली सॉरी एस टी लिख सकते हो या सर्वाइवल फंक्शन लिख सकते हो। टाइटल दे दो, टाइटल में क्या लिखोगे, कैप्लन मेयर एस्टिमेट ऑफ एस के एम विथ 99.5% कॉन्फिडेंस इंटरवल लाइन्स, एंड दिस इज फॉर ऑल द 4,400 पेशेंट्स। वी हैव नॉट डन एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिपेंसी फॉर मेल एंड फीमेल, सेपरेटली हम लोगों ने नहीं किया, हम लोगों ने एक ही चार्ट में मेल एंड फीमेल का दोनों को साथ में लेके बनाया। व्हाट द एस्टिमेट एंड 99.5% कॉन्फिडेंस इंटरवल्स लोअर टेल एंड अपर टेल, ठीक है, क्लियर। गिव अ नाइस टाइटल, टाइटल में क्या लिखोगे, कैप्लन मेयर एस्टिमेट ऑफ सर्वाइवल फंक्शन एंड टू साइडेड 99.5% कॉन्फिडेंस इंटरवल। एनी डाउट, नेक्स्ट पार्ट, डिटरमाइन यूजिंग द एस्टिमेटेड सर्वाइवल फंक्शन फ्रॉम पार्ट वन द प्रोबेबिलिटी दैट अ पेशेंट सर्वाइव फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन विल बी देयर एट दी। तो आपको क्या निकालना है इधर, प्रोबेबिल याद है, कैपलन मेयर करते थे, फिर एक टेबल बनाते थे नीचे, एसकेएम का अलग अलग वैल्यूज बिटवीन 0 to 10। तो पहला जो भी आपका इवेंट हो रहा है टीजे, तो 0 से TJ तक, फिर TJ से नेक्स्ट TJ1, TJ+1, तो वैसे करके आपका आता था। तो लास्ट वाला TJ इधर क्या, मतलब बेसिकली हाईएस्ट 365 के अब आगे कुछ इवेंट्स होगा नहीं। सो यू नीड प्रोबेबिलिटी ST ग्रेटर देन, और बेसिकली आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, सर्वाइवर शुड बी, कौन सा वाला रेंज का चाहिए, 365 से ज्यादा वाला चाहिए ना, लास्ट वाला वैल्यू ऑफ एसकेएम चाहिए, प्रोबेबिलिटी 365 या फिर T1 greater than 365 लिख सकते हो। T1 मतलब 1 day से अगर स्टार्ट करें तो वो 365 days से ज्यादा जिंदा रहेगा, कैपिटल टी वॉज द लाइफ टाइम एस्टिमेशन, राइट। तो वो सब यहाँ लिखने का जरूरत नहीं है, बट यहाँ हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग यहाँ समरी लेंगे ऑफ के एम फिट, ठीक है। दो तरीका होता है समरी में, हम लोग कॉमा देके टाइम इक्वल 365 अगर लिखोगे तो 365 वाला जो एस्टिमेट है वो आ जाएगा, ठीक है। या फिर अगर ये नहीं करना तो ये कर सकते हो, कॉमा टाइम इक्वल्स 365, ये करेंगे
क्या हो गया, 365 करेंगे तो ये आएगा। अब इसमें हम लोग को क्या लेना है, खाली एस्टिमेट लेना है हम लोग को, या फिर देखो ये जो 365 है इधर समवेयर, इसमें ये एस्टिमेट क्या रहे, हम लोग को लोअर टेल अपर टेल से मतलब नहीं है, स्टैंडर्ड एरर से मतलब नहीं है। क्या होगा इधर आंसर, ये सर्व ये वाला 172 वाला, तो डॉलर सर्व करेंगे तो ये आ जाएगा। दिस इज वन अप्रोच। अनदर अप्रोच इज केएम फिट डॉलर करो, तो देखो सर्व, ये जो सर्व है ये बेसिकली आपका सर्वाइवल प्रोबेबिलिटीज है। तो ये अब ऑब्वियसली या तो यहां पे आप लिख दो 365, क्योंकि 365 वैल्यूज जितने भी आएंगे तो आपको मैक्सिमम, या फिर इट्स वेरी एविडेंट दैट जो भी आपका मिनिमम वैल्यू ऑफ एसकेएम होगा वही आपका आंसर होगा, क्योंकि आपको लास्ट वाला वैल्यू चाहिए एसकेएम का और लास्ट वाला वैल्यू ऑब्वियसली मिनिमम होगा। तो या तो ये या फिर सो द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट विल सर्वाइव फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इज 17.16%। डन। नेक्स्ट डिटरमाइन यूजिंग द, ये तो कर लिए, इवेलुएट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द प्रोबेबिलिटी वैल्यू कैलकुलेटेड इन पार्ट टू फॉर असेसिंग द मेडिकोज इफेक्टिवनेस। इवेलुएट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द प्रोबेबिलिटी वैल्यू, कैसे निकालेंगे अप्रोप्रिएटनेस बोलो। सबसे बड़ा बात आप लोग को मॉडल समझना होगा। मॉडल में ये बोल रहा है आपको इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिको, मेडिको क्या है, ड्रग कंपनी है, तो उसका ड्रग कितना काम कर रहा है नहीं कर रहा है उसका इफेक्टिवनेस चेक करना है। नाउ ऑब्वियसली जो एस्टिमेट हम लोगों ने निकाला है उसके अकॉर्डिंग, उस बेसिस पे तो खाली आप नहीं बोल सकते। कैपलन मेयर एस्टिमेट जो निकाला है, हम बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ये 17% जो है या जो भी, तो वो उसमें तो आपने सब कुछ ले लिया है, पीपल हु डिड नॉट रिसीव द ड्रग एंड पीपल हु रिसीव द ड्रग, आपने सारे पेशेंट्स का लिया है, कोई डिमार्केशन नहीं किया है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन एनीथिंग एल्स। सो द प्रोबेबिलिटी दैट वी हैव कैलकुलेटेड अबव इन पार्ट टू इज नॉट इफेक्टिव, इज नॉट अप्रोप्रिएट टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिको
since we have not considered the fact that some people have received the drug and some people haven't received the drug. अब हम लोग क्या करते हैं, अगर दो अलग अलग कैप्लन में निकालते, एक विथ ड्रग वालों का एक विदाउट ड्रग वालों का. याद करो हमने थ्योरी में एक सम किया था, तुम लोगों ने किया होगा पास पेपर का समय, क्लास में आई थिंक हुआ होगा जो भी, जहां पे आप लोग का एक में है फीमेल का अलग मेल का अलग या स्मोकर का. तो आप जो दो अलग अलग कैप्लन मेयर आप निकालोगे एंड देन इफ यू आर कंपेयरिंग विथ ड्रग का सपोज 16% है फॉर एग्जाम्पल, विदाउट ड्रग का 20%, उससे कम है 16% से, तो आप बोल सकते हो इफेक्टिवनेस है, तो आप कंपेयर कर सकते हो. बट यहाँ तो कोई, तो ये तो एक एवरेज हो गया ऑफ ऑल द पीपल हु रिसीव द ड्रग एंड हु डिड नॉट. सो इन ऑर्डर टू रिव्यू द इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिको, we need to compare the lifetime or the probability of people surviving with respect to the patients who received the drug and patients who did not receive the drug. ये चीज आपको पूरा 3 marks के लिए 3 से 4 basic line लिखना है. पहले तो लिखना है कि आप लोग क्यों effective नहीं है, demarcation नहीं है. दूसरा जो हमने probability निकाला है वो average lifetime है overall all the patients का, ठीक है. एंड तो उससे पता नहीं चलेगा वेदर रिसीव्ड और नॉट, तो उससे पता नहीं, इट्स नॉट अप्रोप्रिएट. वो वाला फर्स्ट लाइन हो गया. सेकंड लाइन जो हमने निकाला है वो पूरा एवरेज है ऑफ ऑल द पेशेंट्स हु हैज रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड द ड्रग. नाउ थर्ड लाइन, अब आप बताओ कि कैसे हम इसको हम कैसे एक टेस्ट कर सकते हैं टू चेक द इफेक्टिवनेस बाय टेकिंग और मेकिंग टू डिफरेंट कैप्लन-मेयर मॉडल्स, एक हो गया विद ड्रग एक हो गया विदाउट ड्रग एंड देन कंपेयरिंग द रिजल्ट, ठीक है. गॉट इट. नेक्स्ट नेक्स्ट वाला जो है वो खुद से ट्राई करोगे, जहां बोल रहे हैं प्लॉट इन अ सिंगल ग्राफ ओनली कैप्लन में सर्वाइवल फंक्शन एस्टिमेट विदाउट एनी कॉन्फिडेंस इंटरवल वेर ईच एस्टिमेट रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द 4 पॉसिबल पेशेंट ग्रुप्स ऑफ ड्रग एंड जेंडर, यू शुड यूज सेपरेट कलर्स. तो 4 कैप्लन मेयर एस्टिमेट आपको बनाने, एक होगा फीमेल रिसीव द ड्रग, Female did not receive the drug. Male received the drug. Male did not receive the drug. तो 4 बना. तो क्या करना है एक बार क्विकली समझ लो. आप लोगों को कैप्लन मेयर फिट निकालना है. बट यहां जैसे हमने टिल्ट 1 किया था, आप लोग टिल्ट 1 की जगह पे जेंडर और क्या था, क्या लिखा हुआ है कॉलम नेम, ड्रग एंड जेंडर. तो ड्रग एंड जेंडर लिख दोगे इधर, स्टेटस तो ले लिया, टाइम तो ले लिया, बचा ड्रग. तो ड्रग प्लस जेंडर लिख दोगे, तो ड्रग प्लस जेंडर लिख दिया, उससे तुम लोग देखना कि तुम लोग को अपने आप ये जो कैप्लन मेयर फिट का आंसर मिल रहा था जब यहाँ हम लोग कैप्लन मेयर फिट रन कर रहे थे, ये वाला देखो. तो ये पूरा था एन, यहाँ पे 4400 था, वहां आपको एन 4400 टोटल चारों का मिलेगा, 4 आपको एस्टिमेट्स मिलेंगे, ठीक है. यहाँ पे से एक ही मीडियन है, वहां 4 मिलेंगे. करो एक बार खुद से ट्राई एंड देन उसको प्लॉट करेंगे. KM fit मैंने ऐसे और लिख दिया, आप लोग कुछ भी लिख दो फर्क नहीं पड़ता. serve fit is the name of the function. Again serve हमने ऊपर बनाया था वो as it is रहेगा, time tilt status. यहां बस ये लिख दोगे क्या है, drug capital D plus gender capital G gender. अब ये कहां से है, तो आप लोग को डेटा जैसे LM फंक्शन GLM फंक्शन आप लोग करते थे, डेटा इक्वल्स में आप लोग को लिखना पड़ेगा हमने किस में डाल रखा है, मोर्टैलिटी डेटा में, ठीक है. इसको रन करो एंड इसको देखो कैसा आ रहा है.
अरे ड्रग जीरो जेंडर जीरो, ड्रग जीरो मतलब ड्रग नहीं लिए, जेंडर जीरो इज मेल, फीमेल इज ऑलवेज वन, मेल इज जीरो, ठीक है। मेल विदाउट ड्रग, ठीक है, उसका हम लोग को मीडियन दिया है, विदाउट ऑब्वियसली फीमेल का ज्यादा आएगा सिंस वी ऑलवेज एक्सपेक्ट मेल फीमेल्स टू लिव लॉन्गर, एंड यहाँ पे अगेन जो दोनों का ड्रग बने। अब इसमें अगर कंपेयर करें इसको और इसको, मेल विदाउट ड्रग एंड मेल विद ड्रग, मीडियन को हम लोग को एक्चुअली नहीं कंपेयर करना, बट स्टिल ठीक है, आप लोग देखोगे कि ये ज्यादा है, दिस इज एक्चुअली द मीडियन लाइफ टाइम, चलो लाइफ टाइम नंबर ऑफ डेज है ये, मीडियन नंबर ऑफ डेज द पर्सन हैज सर्व है। हाँ तो यहाँ ये हो गया, बट अब इसको हम लोग को क्या करना है, प्लॉट करना है, तो एक बार ट्राई करो तो प्लॉट करने का, प्लॉट के एम फिट ऑल को प्लॉट करो तो चार लाइन दिख रहा है, बस अब चारों को अलग अलग कलर्स में दिखाना है, बस अब तुम लोग को खुद से एक्स लैब वाई लैब मेन दो और कलर्स कैसे डिमार्केट करोगे वो देखो, सोचो एक बार सर्च करके, फंक्शन कुछ नहीं है, आपको ऑर्डरिंग स्टार्ट करना है। सबसे नीचे वाले से स्टार्ट होता है, मतलब ये वाला ऑर्डर है, सुन लो प्लीज, यहां से स्टार्ट होता है ऑर्डरिंग, यहां आपको अगर नहीं भी समझ में, भूल जाओ ग्राफ, ग्राफ भूल जाओ, यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, तो ड्रग जीरो जेंडर जीरो मतलब मेल विदाउट ड्रग, ठीक है, तो ये आप लोगों ने दिया, आप लोग प्लीज एक्स लैब वाई लैब खुद से दोगे एंड टाइटल खुद से दोगे, टाइटल में क्या लिखोगे, कैपलन मेयर एस्टिमेट ऑफ फोर पॉसिबल सेट ऑफ पीपल या फोर पॉसिबल ग्रुप ऑफ पेशेंट्स, ठीक है, कैपलन मेयर एस्टिमेट ऑफ फोर ग्रुप ऑफ, लिखो पूरा टाइप करो, और कलर में पहले तो कलर दे देंगे, सपोज ब्लू दे दिया और ब्लू और लाइट ब्लू बोल के कुछ होता है क्या? लाइट नहीं लिया ना, लाइट ब्लू डार्क ब्लू होता है, डार्क ब्लू और ब्लू में क्या डिफरेंस है, हल्का सा डिफरेंस है। हाँ होता है, आई एम डूइंग इट ऑन पर्पस, ग्रीन हो गया फीमेल के लिए, ब्लू हो गया मेल के लिए, जस्ट टू डिमार्केट दैट, एंड लाइट डार्कर शेड्स हो गए आपके, ये आप लोगों को नेसेसरीली करना नहीं है, मेरा कीड़ा है थोड़ा तो मैं ये करती हूँ, बट आप लोग को नहीं करना है, ठीक है, आप लोग नॉर्मली रेड ब्लू ग्रीन येलो, येलो मत लेना, रेड ब्लू ग्रीन ब्लैक, ये चार कलर यूज करो, ठीक है, लाइट ब्लू तो बहुत लाइट है, सिंपल ब्लू लेते हैं, ओके आप लोग प्लीज नॉर्मल रखना, डोंट क्रिएट अ कंफ्यूजन, मेरे को लग रहा है कि थोड़ा कंफ्यूजन दिख रहा है मेरे को इधर, क्योंकि दोनों ब्लू पास हो गए एकदम, इसीलिए मर्ज हो जा रहे हैं, कैमोफ्लेज हो रहा है, ठीक है, इसको ब्लैक कर दिया एंड इसको कर दिया रेड, ऑलराइट, अब इसके ऊपर लेजेंड बना दो, लेजेंड कैन बी इंसर्टेड हियर और हियर, सो मेक इट टॉप राइट और लेफ्ट एनी वेर यू वॉन्ट। सबसे पहले तो इसमें आपको क्या क्या डालना है, फर्स्ट इज मेल विथ नो ड्रग, सो मेल नो ड्रग, इसको मैं कॉपी कर लूंगी, दूसरा वाला कौन सा था, 01 फीमेल, फीमेल विथ नो ड्रग, तुमको इस ऑर्डर में रखना है, इस ऑर्डर में, समझ रहे, तुमको
यहां से कंपेयर करना है। फिर अपना है नेक्स्ट मेल विद ड्रग, क्यों मेल विथ ड्रग एंड फीमेल विथ ड्रग, ये है ना मेल विथ ड्रग। हाँ हाँ वो तो ऑब्वियसली तुम्हारा पहले इधर जेंडर आ रहा होगा, इधर ड्रग आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तुम चेंज मत करना मेरे जैसे, तुम खुद से ट्राई कर अपना बनाने का, ठीक है। मैंने पहले ड्रग प्लस जेंडर लिखा है, किसी ने अगर जेंडर प्लस ड्रग लिखा है तो उसका इधर उल्टा आएगा, ठीक है ना। और कलर्स अब मेरे को ध्यान से देने हैं बस, कलर्स मेरे को ध्यान से देने पड़ेंगे। पहला ब्लैक वाला जो है वो सबसे नीचे है सर्वाइवल, विच इज आपका ब्लैक वाला इज मेल विथ नो ड्रग ना, तो ये आपका हो गया ब्लैक, ये तो वो अपने आप इसी ऑर्डर में ही लेगा। दिस वी कैन कॉपी पेस्ट। LTY1 देख लो, मेल विथ नो ड्रग का सबसे लोएस्ट सर्वाइवल है एंड मेल विथ ड्रग का सबसे हाई कैसे हो गया। अच्छा ये मैंने चेंज नहीं करा, फीमेल होगा, ठीक है। फीमेल विथ ड्रग का सबसे हाईएस्ट है, दैट इज वॉट वी एक्सपेक्ट। ये लिखो एंड इसका नेक्स्ट पार्ट का तुम लोग कमेंट्स भी लिख के मेरे को दिखाओगे, मैं सबका चेक करूंगी इंडिविजुअली आके कि सबने टाइटल दिया है कि नहीं, एक्स लैब दिया है कि नहीं। ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट्स विल शेयर देयर ग्राफ्स फोटो इन द ग्रुप, जितने भी लोग हैं, ऑल ऑफ देम। हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर? हाय हाय मेरे को पता है ना सबका क्या होगा, दिख गया मेरे को फ्यूचर सबका अभी से। चलो करो उसको खत्म, और नेक्स्ट वाला का कमेंट भी तुम लोग टाइप करेगा। अरे बात तो एक ही है, मेरे को
टेबल में बना सकते वो टेबल हमेशा मैट्रिक्स में थ्री दे देगा इंजीनियरिंग चाहिए 4x4 ये 4x4 2000 रुपये और ऐसे दिमाग से दिखेगा इसे तो डॉक्टरी को बना देगा हाँ बना लेगा जो ये ज़्यादा सही रहता है अरे आपका टेबल बना सकते हैं ना कोई इश्यू नहीं है ना ऐसे आप टेबल बनाने के बाद उसके बाद वो देना सकती है नहीं वही जो हमको इसीलिए अगर वो देना होता है ना इसीलिए हम वो बनाते जो भी हो गया वही ना बैठे रहा कि सिलम ये बना अरे तो हम टेबल बनाएंगे हम टेबल बनाएंगे हम टेबल बनाएंगे 4x4 यहाँ पे तुम दे दीजिए यहाँ पे तुम दे दीजिए अगर तुम लेक्चर देखे कॉमन बेस्ट करेगा इसको थोड़ा कर लेगा ये कैसे मतलब बनाएंगे बाहर पहले क्या चाहिए टेबल वाला फिर भी ठीक है समझ में आ रहा है उसके बाद ऐसे दे दूंगा योगा नहीं गई थी मुझे उसमें
जान जिसे हम छोड़ रहा यहाँ पे डाले दिया दो डायरेक्ट डाल के यहाँ पे बीच में स्टेज है कि यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए हाँ बोलता है अच्छा है लेकिन फिर भी ब्रैकेट नो बी तो सेवन सर्वाइवर सर्वाइवर प्रोबेबिलिटी लेना हुआ डन कमेंट बोलो कमेंट ऑन द ग्राफ सो वी कैन एक्चुअली सी पहले तो बेसिक कमेंट होता है फीमेल्स विथ टेकिंग द ड्रग्स इज द हैव द हाईएस्ट सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी एंड कंपेयर तो एक चीज करते हैं सबसे पहले लेट्स कंपेयर जेंडर एंड देन लेट्स कंपेयर ड्रग सो इफ यू जस्ट कंपेयर फीमेल्स सो वी सी दैट फीमेल्स हैव अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल एज कंपेयर टू मेल्स ठीक है ये अपना फर्स्ट पार्ट हो गया सेकेंड लाइन पीपल टेकिंग ड्रग्स ठीक है ब्रैकेट में क्या लिखोगे without considering gender ठीक है या for any gender कुछ भी वैसे लिखोगे ब्रैकेट में सो पीपल टेकिंग ड्रग्स विल हैव अ हायर तो ऊपर में भी वही लिखना फीमेल वाला जो पॉइंट है दैट फीमेल हैव अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल एज कंपेयर टू मेल ब्रैकेट में विथ और विदाउट ड्रग्स ठीक है क्योंकि हम लोग वहां ड्रग का कॉन्सेप्ट नहीं ले रहे मेल फीमेल जनरली भी कंपेयर करोगे तो ये फीमेल है और ये फीमेल है दोनों एनी विच वेज विदाउट वाले से विथ विदाउट से ज्यादा है सो विथ विदाउट मेल विथ विथ और विदाउट ड्रग मेल का चांसेस लोअर है देन फीमेल वाइस वर्सा और अब बोलोगे पीपल टेकिंग अप ड्रग विल हैव अ हायर चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ विल हैव अ हायर चांस ऑफ सर्वाइवल एज कंपेयर टू पीपल विदाउट एनी ड्रग्स ब्रैकेट में नो कंसिडरेशन फॉर जेंडर ठीक है सो इन जनरल वॉट विल वी वी से दैट फीमेल्स विथ ड्रग्स विल ऑब्वियसली विल बी हैविंग द हाइएस्ट बट ये टू मार्क्स का आई गेस सो टू थ्री मार्क्स है तो ये दो तीन लाइन मेन डिस्क्रिप्शन लिखना है अच्छा ये लिखने के बाद फाइनल कंक्लूजन आपको मेडिको का इफेक्टिवनेस का देना है तो हम लोग बोल सकते हैं कि मेडिको सीम्स टू हैव इफेक्टिव सीम्स टू हैव टू इंक्रीज द सर्वाइवल रेट्स ना बिकॉज यहां देखो मेल तुम लोग का भी ये आ रहा है क्या मेल नो ड्रग और ये मेल विथ ड्रग बट द इंक्रीज बहुत कम है इन मेल्स हाँ तो ये चीज भी तुम लोग को लिखना पड़ेगा तो सबसे पहले तो मेल का डिमार्केशन जेंडर का डिमार्केशन दे देना फिर उसके बाद ड्रग का डिमार्केशन एक लाइन दो लाइन हो गया थर्ड लाइन में देखोगे टू चेक द मेडिकोज इफेक्टिवनेस वी से दैट द पीपल हु आर टेकिंग ड्रग्स हैविंग हैव बेटर योर द सर्वाइवल प्रोबेबिलिटीज हैव इंक्रीज्ड फॉर पीपल टेकिंग मेडिको ड्रग्स मेडिको का वर्ड मेंशन कर देना But the improvement seems to be better in case of females as compared to males. That's it. ठीक है Next. Estimate
कॉक्स प्रपोर्शनल हो गया यहाँ तक लिख लिया. एस्टिमेट अ कॉक्स प्रपोर्शनल हजार्ड मॉडल विथ डेथ एज द इवेंट ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग अगेन टू कोवेरिएंट्स ड्रग एंड जेंडर विथ नो इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग एंड जेंडर एंड पेस्टिंग योर आंसर्स. यू शुड यूज द ब्रेस्लोज एस्टिमेट of tie handling. Breslow's estimate of tie handling. हम लोग को यहाँ पे कुछ calculation नहीं करना है. हम लोग straight away वो function use करेंगे. कौन सा function? Cox, pH. चलो. Surf already हम लोग का बना हुआ है. So we can straight away use Cox pH. इसको हम लोग डाल देंगे. Cox fit में. If I quickly open, अगर जिसको याद नहीं है Cox pH formula में क्या लिखेंगे, again the same solve tilt, बोलो drug plus gender, gender plus drug, whatever. The reason I took drug first is that वो column पहला है, इसीलिए और कोई reason नहीं है. And after formula data हो गया आपका mortality. डेटा और कुछ देना है क्या? टाइज में खाली देखो बाय डिफॉल्ट एफ्रॉन है, हम लोग ने पढ़ा नहीं है क्या होता है ये. तो अब हम लोग टाइज में ब्रेस्ट लो दे देंगे. ठीक है, व्हाट एल्स? नथिंग एल्स या खाली टाइज याद से दे देना, बिकॉज हमें बहुत बार लगता है कि बाय डिफॉल्ट ब्रेस्ट रो ही होगा, हमने वही पढ़ा है. बट इसीलिए मैंने भी खोल के चेक किया, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो कंफ्यूज कि बाय डिफॉल्ट क्या है. मुझे ब्रेस्ट रो याद आ रहा था, बट बाय डिफॉल्ट एफ्रॉन है जो सिलेबस में नहीं है. तो ये एक छोटा चीज है, एक सेकेंड लगता है खाली फॉर्मूला खोल के देखने में, एंड वो काफी हेल्प हो जाता है उससे. तो अगेन इसको रन करेंगे. देख लो ये आपका आ गया कोएफिशिएंट्स, ठीक है, जो बीटा टर्म्स होता है. ये आ गया आपका जेड वैल्यूज, ये आपका पी वैल्यू जो बताते हैं कि वो वाला पर्टिकुलर वेरिएबल सिग्निफिकेंट है कि नहीं. सिंस बोथ द वेरिएबल, बोथ द पैरामीटर, सॉरी बोथ द प्रोबेबिलिटीज आर लेस देन 5%, बोथ आर कंसिडर टू बी सिग्निफिकेंट, एंड दिस इज द लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट का आंसर. ठीक है, क्योंकि कुछ और नहीं बोला है तो इसको हम लोग रन कर देंगे. नेक्स्ट, कमेंट ऑन द रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड इन पार्ट 6 विथ रेफरेंस टू द इफेक्ट ऑफ द टू कोवेरिएंट्स ड्रग एंड जेंडर ऑन द मोर्टैलिटी रेट. तो अब इस पे कमेंट करना है विथ रेफरेंस टू व्हाट यू सी यहाँ पे. दिस इज पार्ट 7 है ना. कितने मार्क्स का कमेंट? 5. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पहला रिजल्ट जो देख के पता चल रहा है ड्रग का कोएफिशिएंट कितना है. 35% है, मतलब माइनस 35 या माइनस 0.35 है. 35% बोलेंगे नहीं इसको ऐसे, बट माइनस 0.35. कॉक्स मॉडल याद है कैसे लिखते थे? e टू द पावर माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा जेड टी कैसे लिखते थे? कॉक्स मॉडल क्या होता था? क्या हजार्ड रेट? वेरी गुड. सो लैम्डा टी कॉमा जेड इज इक्वल टू लैम्डा नॉट टी विच इज द बेसलाइन हजार्ड इनटू एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा जेड ट्रांसपोज.
तो जेड आपका हो गया डिफरेंट वेरिएबल्स, अपने यहाँ पे वो ड्रग और जेंडर है। बीटा वन का वैल्यू आपका -0.35 है। इसका क्या मतलब है कि अगर आप अगेन दिस, हम लोगों ने एक चीज बोला था कि कॉक्स मॉडल इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल मॉडल, राइट? तो अगर आप कंपेयर करो ऑफ द सेम जेंडर को, अगर आप सेम रखो एंड अगर आप कंपेयर करो विथ ड्रग एंड विदाउट ड्रग को, तो जो विथ ड्रग होगा उसका में कॉम्पोनेंट आएगा ई टू दावर -0.35 इंटू वन, जेड विल बी वन, और विदाउट ड्रग वाले में ई टू दावर -0.35 इंटू जीरो हो जाएगा, तो वाला कॉम्पोनेंट उसके में वो कंपोनेंट नहीं आएगा, ठीक है? ई टू दी पावर जीरो मतलब वन, तो इसमें वो आया, तो मतलब एक बार निकाल लो ई टू दी पावर ये कितना आ रहा है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कितना परसेंट इफेक्टिव है। सो ये है लोगों का जिनका ड्रग था, है ना? सो हजार्ड रेट ऑफ पीपल विथ ड्रग डिवाइडेड बाय हजार्ड रेट ऑफ पीपल विदाउट ड्रग इज 70%। तो इससे क्या पता चला? वापस से सुना, हजार्ड ऑफ, जिनको एक बार समझो, सुनो पहले, ठीक है? हजार्ड रेट ऑफ पीपल विथ ड्रग इज इक्वल टू 70% ऑफ हजार्ड रेट ऑफ पीपल विदाउट ड्रग। तो जिनका विथ ड्रग है वो 70% ऑफ दिस है, मतलब वो 30% से रिड्यूस हो गया ना। तो आप लोग कैसे इसको अब लिखोगे? आप लोग पहले तो ये डिराइव करोगे, ये आंसर आया, फिर आप लोग लिखोगे, hence we can say that the hazard rate of people taking medico drugs is 70% of that of people without, या फिर 30% lower of that of people with no drugs। ये आपका पहला हो गया। जेंडर का भी सिमिलर कमेंट दे देंगे। जेंडर में वन वॉज फीमेल, ठीक है? तो ऊपर में अगर हम लोग फीमेल को रखें और नीचे मेल को रखे, तो हम लोग का वापस ये 30-40% के अराउंड ऑलमोस्ट है। तो हजार्ड ऑफ फीमेल इज इक्वल टू 40% ऑफ मेल, सोचो सीधा 40%, तो 60% रिडक्शन बोल रहे हैं। तो हजार्ड ऑफ मेल फीमेल इज 60% लोअर देन दैट ऑफ हजार्ड ऑफ मेल विथ और विदाउट ड्रग्स। ये पूरा हो जाएगा पहले, ठीक है? This is also suggested from the graph itself, but हमने यहाँ पे interaction नहीं लिया है। अगर हम interaction लेते तो एक other insight जो हम लोग को मिलता is जो effect of drug है will be higher in females than in males। वो insight यहाँ मिल नहीं रहा, but लिखेंगे उसको। Since we can see from the graph that the effect of drugs is better on female, since we've seen a higher change, higher increase in the mortality, in the survival rates as compared to, but we have not taken the interaction term over here, so we cannot comment on the same. ये एक पॉइंट लिखा। फोर्थ पॉइंट ये लिखना है, फिर सुन लो पहले, ये पहले इंटरेक्शन का बात अब लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, कमेंट ऑन द रिजल्ट्स विद रेफरेंस टू द इफेक्ट ऑन द मोर्टैलिटी रेट। तो ये खाली 5 मार्क्स के लिए इतना बेसिक नहीं। अब आपने एक क्लिक दिया ना कि इंटरेक्शन टर्म लेना चाहिए था, क्यों? रीजनिंग ग्राफ से हमने देखा कि उसमें मैटर। तो आप लोग लिखोगे द मॉडल इज नॉट वेरी अप्रोप्रिएट एंड सो नीड्स एन एक्सटेंशन बाय एडिंग द इंटरेक्शन टर्म एज वेल। अब देखना नेक्स्ट में वो इंटरेक्शन टर्म ही एड करने बोलेंगे। Understood? Question में, next में if you all read. एक चीज और जो मिसिंग है, हमने अभी तक नहीं डिस्कस किया, इज द पी वैल्यू। वो भी आप लोग कमेंट में लिखोगे। सिंस बोथ द पी वैल्यूज आर लेस देन 5%, सो वी कैन से दैट बोथ ड्रग एंड जेंडर हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द सर्वाइवल प्रोबेबिलिटीज या ऑफ द पेशेंट्स।
मैम एक बार पी वैल्यू वाला वापस बोलिए ना. P value is less than 5%, hence we can say that the drug and gender both have a significant impact on. ये बीटा टेस्ट है जो आप लोगों ने CS1 में पढ़ा था in GLM, और इसमें भी हमने खाली उसको देखा था, बट प्रूफ आपने या फिर उसको पढ़ा था GLM में. जो ये बेसिक मॉडलिंग के कॉन्सेप्ट है ना, ये अगर आप कोई भी फाइनेंस फील्ड में जाओगे तो आपको यूज करना पड़ेगा. पी वैल्यू, सिग्निफिकेंस लेवल, कब वो सिग्निफिकेंट होता है, कब नहीं होता है. तो ये बेसिक चीजें हैं जो आई डोंट थिंक यू शुड फॉरगेट इन योर लाइफ टाइम. आई मीन CS1 पढ़ लिया उसके बाद उसको भूल जाओगे, वो नहीं होना चाहिए. अगर हो रहा है आप एक्चुअली मत करो, कोई पॉइंट नहीं है करके. इन जनरल आई एम दिस, क्योंकि आई हैव सीन स्टूडेंट्स दे फॉरगेट दिस. नो पॉइंट ना, बेसिक आप लोग को सब जगह अप्लाई करना होगा. कमेंट वॉज पार्ट 7. ठीक है. हाँ, पार्ट 8, अपडेट द कॉक्स प्रोपोर्शनल हजार्ड मॉडल. एक बार रीड कर लो, अगर आपको सोल्यूशन रीड करना है क्विकली शो यू ऑल. हम लोग थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं क्या? क्विकली रीड इनका कमेंट, क्विकली ऑल ऑफ यू क्विकली रीड द कमेंट. नेक्स्ट पूछो. अपडेट द कॉक्स मॉडल टू इंक्लूड द इंटरैक्शन टर्म. एनालाइज द इफेक्टिवनेस कमेंटिंग ऑन एनी डिफरेंसेस. तो सेम चीज कॉक्स फिट 1 कर देंगे इसको, कॉक्स फिट एक्सटेंडेड कर देंगे इसको या तो. और कैसे लेते हैं, हमने याद करो ए ए डॉट बी लिखते थे. ए डॉट बी इज ए प्लस बी प्लस ए क्रॉस बी, तो वो दोनों टर्म भी आ जाते हैं और इंटरैक्शन. तो डॉट अपने यहां पे मल्टीप्लीकेशन वाला साइन देके करते हैं. ड्रग मल्टीप्लीकेशन जेंडर. हम प्लस हाँ
वो उसमें होते, थ्योरी में वैसे लिखते हैं, मतलब हम तो, अच्छा खाली इंटरेक्शन टर्म लेना है क्या? वो हाँ वो कोलन से आता है, तुम ऐसे भी कर सकते हैं, ड्रग प्लस जेंडर प्लस कोलन देके। हाँ सो अगर खाली इसका क्वेश्चन है, खाली इंटरेक्शन टर्म होता, ड्रग अलग से नहीं, जेंडर अलग से नहीं, तो आप ऐसे लिखते हो कोलन। बट अगेन अगर हम लोग इंटरेक्शन लेते हैं तो दोनों भी लेना चाहिए, यू आइडियली वो होता है। तो इसको रन करो एंड देन यू गेट अनदर एस्टिमेट। अब इस केस में देखो, ड्रग का पी वैल्यू हैज गॉन अप, मतलब नाउ दिस इज एक्सप्लिसिटली नॉट सिग्निफिकेंट अलग से खाली। तो इसमें हम लोग क्या क्या कमेंट करेंगे बताना। एंड क्वेश्चन में एक और चीज बोला है कमेंट, हाँ तो सबसे पहले तो इस पे कमेंट कर देंगे सब चीजों पे, कि अगेन ड्रग इसको डाल के देखना कि अब कितना परसेंट चेंज खाली ड्रग से है, कितना परसेंट जेंडर से है, एंड इफ यू टेक द इंटरक्शन टर्म, देखो इधर कोलन ही है, तो उसका कितना इफेक्ट आ रहा है, एंड इसका मीनिंग क्या है, ये कब आएगा, जब आपका ड्रग भी वन होगा और जेंडर भी वन होगा। तो ड्रग वन और जेंडर वन मतलब फीमेल विद ड्रग्स, तो फीमेल विद ड्रग्स में एक्चुअल में देखो कितना, दिस इज कंपेयर टू मेल्स विदाउट ड्रग, दिस यू कंपेयर टू मेल्स विदाउट ड्रग, एंड इफ यू सी द ग्राफ ऑल्सो पूरा देखो, हाँ मतलब 50% का गैप बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये बोलेंगे, अगर खाली आप ये रन करोगे तो आप इसमें ये बोलोगे कि दिस इज बेसिकली, ये टर्म कहाँ इंक्लूड होगा, बट एक गड़बड़ है, इंटरक्शन टर्म आप ले रहे हो, ऊपर की ये दोनों टर्म्स भी तो हैं, और ज्यादा आना चाहिए। ड्रग वन जेंडर वन तुम कर रहे हैं, दोनों दोनों वन तुमको अगर लेना होगा, तब तो तुम पूरा एक्चुअल कंपैरिजन कर पाएगा ना बिटवीन फीमेल विद ड्रग्स एंड एक्चुअल में, ये है 75% रिडक्शन है, नॉट 50, गलत हो जाएगा, तो ये वाला चीज लिखने का जरूरत ही नहीं अगर नहीं। ये कंपेयर करेंगे हाँ समझा, बट अदरवाइज इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। और अब अगर तुम लोग मेल मोर्टेलिटी रेट को इस केस में कंसिडर करेगा, कैंसल आउट हो जाएगा, इसीलिए ये देखो ना एक्सपोनेंशियल ऑफ कोएफिशिएंट तो दिया हुआ है, हम लोग क्यों निकालते हैं पता नहीं, इसमें था हम लोगों ने फालतू में निकाला, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, तो ये हम लोग के पास ऑलरेडी है। इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है बोलो, अगर तुम लोग ड्रग वन लेता है और जेंडर जीरो लेता है, तो ड्रग जेंडर वाला इंटरेक्शन भी नहीं आएगा, खाली ड्रग आएगा, तो नाउ वी कैन से दैट मेल्स, बोलो अब इंटरेक्शन लेके बोल रहे हैं ये चीज कि मेल्स, सॉरी हाँ मेल्स विद ड्रग्स, मेल जीरो जेंडर जीरो, ड्रग वन जेंडर जीरो मतलब ये जीरो गॉन, सो मेल विद ड्रग में कितना परसेंट रिडक्शन है, 7%, और ऊपर में कितना था, ऊपर में तो वो कर ही नहीं पाओगे, ऊपर में कैसे करोगे वो चीज उस, हाँ उसमें नहीं कर पाएंगे, ऊपर में तो इंडिविजुअली था ना, उसमें तो इंटरेक्शन है ही नहीं, तो पूरा सॉल्व ही करना होगा, जो कि नहीं कर सकते अगर पूरा डेटा नहीं है। मेल विद ड्रग मेल विदाउट ड्रग कर सकते हैं उस केस में भी, बट अब हमने किया नहीं है सॉल्व, अगर तुम लोग करना चाहो तो कर सकते हो, बट नॉट रिक्वायर्ड। ध्यान दो, हम लोग का मेन कंसर्न, हम लोग को जो दिखाना था वो क्या दिखाना था, कि ड्रग का इम्पैक्ट फीमेल्स पे ज्यादा है, तो ये देख के समझ में आया कि मेल पे कितना है ड्रग का इम्पैक्ट, फीमेल पे कितना है ड्रग का इम्पैक्ट, करो फीमेल पे कितना है ड्रग का इम्पैक्ट। एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड बिफोर मूविंग अहेड, कैसे करेंगे,
न्यूमरेटर में फीमेल विद ड्रग, फीमेल विदाउट ड्रग. अगर फीमेल विद ड्रग है, फीमेल फीमेल है ऊपर, तो ये वाला एनीवेज हट गया. क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है. न्यूमरेटर में फीमेल विथ ड्रग है, तो ड्रग वाला कंपोनेंट आएगा, है ना? ड्रग वाला कंपोनेंट आया और ये वाला भी कंपोनेंट आया, वन वन. और न्यूमरेटर में फीमेल विदाउट ड्रग है, तो खाली ये वाला कंपोनेंट आया, तो ये ऊपर नीचे एनीवेज कैंसिल आउट हो गया. सो नाउ टेल मी व्हाट इज द रिडक्शन. इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना हो, कुछ नहीं करना है. फोर्टी एट मतलब इसका वन माइनस करूं, 51% रिडक्शन है. फिर से अगर मैं समझाऊं, विजुअलाइज करो, आई एम नॉट राइटिंग इट, दैट इज वाई. ऊपर हमने लिया है हजार्ड रेट ऑफ फीमेल विद ड्रग्स, तो फीमेल विद ड्रग्स का मीनिंग है ई टू द पावर, बेसलाइन को कैन हटाओ, ई टू द पावर दिस इंटू वन प्लस दिस इंटू वन प्लस दिस. डिनोमिनेटर में फीमेल विदाउट ड्रग्स, ई टू द पावर ये वाला नहीं होगा, ये जीरो हो गया, दिस इंटू वन, और ये भी नहीं होगा, तो ये वाला ऊपर नीचे कैंसिल आउट. ऊपर में अब खाली क्या बचा, ई टू द पावर दिस माइनस दिस, मतलब प्लस दिस, जो भी ले लो, और ई टू द पावर वो है, ई टू द पावर वो है, तो दोनों मल्टीप्लाई कर सकते हो ना अलग अलग लिख के. सो दैट इज वॉट वी आर डूइंग, मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो बेसिकली ये हो गया. तो आप लोग बोल रहे हो कि फीमेल फीमेल विथ ड्रग्स इक्वल्स टू 48% ऑफ फीमेल विदाउट ड्रग्स, तो कितना परसेंट रिडक्शन हुआ, 52% रिडक्शन. फीमेल्स में 52% रिडक्शन हो रहा है ड्रग्स का, और मेल में कितना आ रहा था, 7% खाली. तो ये अगर आप लोग ने समझा दिया तो पूरा आपका मार्क्स. 7% इफेक्टिव ऑन मेल्स एंड 52% इफेक्टिव ऑन फीमेल्स. कितना मजेदार चीज है. अगेन एक लाइन लिख सकते हैं, दिस इज कंसिस्टेंट विद द ग्राफ वी हैव सीन अबव. अब अगर लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट करने का कोशिश करें, ये एक एस्पेक्ट था, सुन लो एक बार. यहां आपका लाइक्लीहुड आ रहा है 910 एंड वहां आपका लाइक्लीहुड रेशियो आ रहा है 820. सो देयर इज एन इंक्रीज इन द लाइक्लीहुड. लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट याद है कैसे करते थे, क्या फॉर्मूला होता था, माइनस ऑफ 2 इंटू एल ए माइनस एल बी, वेर एल ए इज वॉट. एक बार ना थोड़ा सुनना, क्योंकि ये आई होप आई थिंक तुम लोगों को याद नहीं है. अगर तुम लोगों ने सीएसएम में पढ़ा भी होगा तो आई एम प्रिटी श्योर नहीं याद होगा. हम लोगों ने क्लास में भी पढ़ा होगा, आई एम प्रिटी श्योर तुम लोगों को नहीं याद होगा. ये लॉग लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट का फॉर्मूला होता है दिस. तो जब आपके किसी मॉडल में ही दिया है, तो ये तो चलो मान लो ये आपका मॉडल ए है, इसको किस मॉडल से कंपेयर किया जा रहा है, सैचुरेटेड सैचुरेटेड मॉडल से. तो लॉग लाइक्लीहुड किसका ज्यादा होता है, सैचुरेटेड का ज्यादा होता है. एंड व्हेन यू आर गेटिंग अ पॉजिटिव वैल्यू ओवर हियर मींस कि ये आपका सैचुरेटेड वाला मॉडल इन्होंने लिया है. हाँ ना, मतलब बेसिकली मॉडल बी जो होता है, ये जो होता है, हम लोग आइडियली ना ऐसे लिखते थे, इफ यू ऑल रिमेम्बर. इस केस में पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये तुम्हारा हायर वैल्यू रहेगा. पी इज अ नंबर ऑफ पैरामीटर्स, यहाँ पे पी पैरामीटर्स है, यहाँ पे पी प्लस वन पैरामीटर्स है, तो इसका हायर वैल्यू आएगा, तो ये पूरा का वैल्यू नेगेटिव रहेगा, सॉरी पॉजिटिव रहेगा. उल्टा करेंगे तो नेगेटिव, एक ही बात है कैसे भी करो, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है इसलिए मैंने ऐसे दिखाया. तो ये है, क्लियर है? ठीक है. ये जब हम लोग मॉडल ए के लिए कर रहे हैं, मतलब पहला वाला मॉडल में, तो हमारा लाइक्लीहुड रेशियो ये आ रहा है 80. इसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो ऐसे करके, कॉक्स एक बार देख लो, फिर तुम लोग को आई विल गिव यू ऑल टाइम. कॉक्स अंडरस्कोर फिट वन,
फिर डॉलर लॉग लाइक्लीहुड ना, लॉग लाइक्लीहुड तो अलग हो गया, ये लॉग लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट में यही निकलेगा। अच्छा वो नहीं आएगा, इससे निकालना पड़ेगा। हाँ नहीं, मेरे को ये एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते अपने, शायद अपने को इसी से कैलकुलेट करना होगा, आई गेस इसी से कैलकुलेट करना होता है। ऐसे करते हैं वन, अरे तुम कैसे भी ले ले, माइनस। बट ये मेरे को क्यों करना है, ये झमेला नहीं करना है मेरे को, इनटू टू आ रहा है। बेसिकली ये तुम्हारा दो लाइक लॉग लाइक्लीहुड है, ये वाला तुम्हारा है लॉग लाइक्लीहुड ऑफ द ऑफ आर मॉडल, दिस इज ऑफ द सैचुरेटेड मॉडल लेस नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमें ऐसे करने से समझ आ गया, बट रेशियो इसमें आ रहा है 820.3, चलो मान लो, और दूसरे वाले का आ रहा था 910 पॉइंट कितना टू। अब हाउ, जस्ट नॉट लुकिंग एट दिस, हाउ टू कंपेयर ऑन दीज टू बेसिस। अब समझो ये एक मॉडल का है एंड दूसरे मॉडल का भी ऐसा ही कुछ दिया हुआ है, अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका LP+1 LP+1 कैंसल आउट हो गया, हाँ कि ना। तो अब आप L, A और B में कंपेयर कर पा रहे हो, यू कैन कंपेयर बिटवीन A एंड B ना, हाँ सैचुरेटेड हट गया। तो अगर आप A और B में कंपेयर कर पा रहे हो, इसका क्या मतलब है? इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर ये हायर है ये वाला वैल्यू, मतलब आपका मॉडल भी बेटर है, सिंपल यही था। अगर चलो ये वाला एक अप्रोच है, मैं जो दूसरा अप्रोच सिखाती हूँ वो कर लो, तुम लोग एक्सट्रैक्ट कर लो लॉग लाइक्लीहुड इन टू L1 ले लो, कॉक्स अंडरस्कोर फिट डॉलर लॉग लाइक्लीहुड। सेकेंड वाला क्यों एक्सट्रैक्ट करें, क्योंकि ये वाला आपका सैचुरेटेड का है और ये वाला मेरे मॉडल का है। ठीक है, ये हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया L2, हाँ क्योंकि पहला वाला वो है ना नेगेटिव ज्यादा है, नेगेटिव ज्यादा होने से, हाँ 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 ठीक है। अरे तुम दिस माइनस प्लस दिस करेगा तो ये अंदर में नेगेटिव आया और बाहर एक और माइनस टू है, तब जाके तो तुम्हारा 820 आ रहा था इधर। यहाँ पे मैंने माइनस है ये, मतलब मैंने उल्टा कर दिया था, बट बाहर एक माइनस होगा तो तभी तो ये आएगा ना। तो आपका ये वाला होता है सैचुरेटेड वाला और टू वाला अपना खुद का है। तो अब अगर इसमें हम लोग लॉग लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट करें, सो इट शुड बी माइनस टू इंटू L1 माइनस L2 80 राइट आ रहे क्या इनका भी, हाँ 89, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब बट इसको यू विल हैव टू कंपेयर, दिस फॉलोज व्हाट, काई स्क्वायर वन एक पैरामीटर है तो निकालो क्रिटिकल वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्यू काई स्क्वायर पी हो गया आपका ये ना 0.05 या 0.95 लिख दो, कॉमा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अपने केस में वन ही होगा क्योंकि एक और पैरामीटर अपने ने ऐड किया है, 3 है विच इज वेरी लो, 89 टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज वेरी हाई कंपेयर टू दिस। तो आपको देखना है खाली ये कि आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स पी वैल्यू अगर निकालना है तो वो भी निकालो, पी का इसको ऐसे ये डालेंगे लोअर टेल फॉल्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है,
वेरी क्लोज टू जीरो. वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस क्या होता है? मॉडल ए एंड बी आर सेम. ऑल्टरनेटिव होता है मॉडल बी इज बेटर देन मॉडल ए. याद आ गया लॉग लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट. सेकेंड लाइक्लीहुड इज मॉडल का. फर्स्ट इज आई थिंक दे कंपेयर इट विथ नल मॉडल. मेरे को ऐसा लग रहा है नॉट सैचुरेटेड, क्योंकि दे कंपेयर इट विथ अ नल मॉडल. नहीं नहीं नहीं, दे कंपेयर इट विथ अ नल मॉडल. हम लोग थ्योरी में वो चीज सीखे थे. क्यों मैं बता रही हूं? क्योंकि देखो, जब मैंने लाइक्लीहुड निकाला तो जो ज्यादा नेगेटिव है, मतलब उसका लाइक्लीहुड तो कम है ना, इससे इसका लाइक्लीहुड ज्यादा है. ज्यादा मतलब बेटर मॉडल. सो यू कंपेयर इट विथ अ नल मॉडल, नॉट अ सैचुरेटेड मॉडल. गलत है. यू कंपेयर इट विथ अ नल मॉडल. नल मतलब कोई भी वेरिएबल्स नहीं. जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है. और तुमको देखना है हाई और लोअर. तो ये ज्यादा हाई हुआ ना, ये वाला, ये हमारे मॉडल का है, एनी नल मॉडल का. सो लॉग लाइक्लीहुड में जो इसमें जो रेशियो टेस्ट आता है, दैट दे कंपेयर विद अ नल मॉडल. आई एम 100% श्योर. ठीक है, तो नल मॉडल से कंपेयर करने का क्यों क्यों कंपेयर करते हैं बताए? अगर देखो, एक बार समझ लो वापस से, क्योंकि देखो वापस हम लोग हो सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन नहीं करें. यहां हम लोग को लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट दिया है, ये आपका सेकंड इंटरैक्शन वाला मॉडल है. एंड पी वैल्यू देख रहे हो कितना? ये पी वैल्यू बेसिकली क्या है? एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देख रहे हो? थ्री. क्यों? नल मॉडल में जीरो होता है पैरामीटर्स, और यहाँ आपके थ्री डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, मतलब थ्री पैरामीटर्स है, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थ्री हुआ. दिस इज द रीजन इट्स थ्री. एंड आपका पी वैल्यू वेरी क्लोज टू जीरो है, मतलब यू कैन डेफिनेटली से that this model is better than the null model. अगर ये p value greater than 5% आता तो हम लोग बोलते कि हम लोगों ने जो मॉडल बनाया is no better than a null model, so go with a null model itself. So this log likelihood ratio test, they don't compare it with the saturated, no, they compare it with the null. That is why when I was saying, मुझे लग रहा था कहीं कुछ गलत हो रहा है, but this is when we compare it with a null. Got it? तो ये भी आपका null है एंड ऊपर में भी आपका नल. अब क्या होता है, आप नल नल से कंपेयर कर रहे हो, तब भी वो कैंसिल आउट हो गया एंड आपका ये बचा. तो सिमिलरली आप लोग को खाली लॉग लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट अगर अभी कहीं पेन पेपर पे एक बना के रखो ताकि याद रहे, हो सकता है 2 मंथ्स बाद आप फिर से कंफ्यूज हो जाओ. तो दो लाइक्लीहुड जाते हैं, पहला लाइक्लीहुड इज नल मॉडल का, दूसरा वाला इज आपके मॉडल का. ठीक है, ये जो लॉग लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट है ये कंपेरिजन है विद द नल मॉडल. सो पी वैल्यू अगर 5% से ज्यादा है तो इसमें क्या कमेंट कर. अब देखो, दोनों मॉडल्स में लेस देन 5% था, बट कहीं भी 5% के ऊपर आता तो ये भी एक कमेंट जा सकता था. ये पी वैल्यू का आपने कमेंट किया सिग्निफिकेंट है कि नहीं, इसके लिए भी आप एक कमेंट डाल सकते थे. अगर ये 5% से ज्यादा तो आप बोल सकते कि ये जो मॉडल है वो एक नल मॉडल से बेटर है ही नहीं, सो लेट्स गो विद अ नल मॉडल. वाई टू यूज दिस मॉडल, राइट? ये हो गया. अब दो अलग मॉडल्स को जब आप कंपेयर कर रहे हो तो आप सबसे पहले रिमेम्बर, आप किसको लेते हो? जिसका लेस पैरामीटर्स होता है, एंड दूसरे आप उसको लेते हो जिसका ज्यादा पैरामीटर्स है. तब जाके यू गेट अ पॉजिटिव वैल्यू एंड देन यू कंपेयर इट विद काई स्क्वायर. पी प्लस क्यू किया था हमने, नॉट वन, पी एंड पी प्लस क्यू. आई थिंक मैंने कौन से चैप्टर में कराया था, आई डोंट रिमेम्बर, बट इसी चैप्टर में किया होगा कि नहीं याद नहीं है. यहां पे आपका एल ये होना चाहिए पी, ये वाला, एंड ये पी प्लस क्यू होता है विच फॉलोज काई स्क्वायर पी, काई स्क्वायर क्यू, सॉरी. अंडरस्टूड लॉग लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट कैसे करते हैं? एंड अंडरस्टूड जो दो लाइक्लीहुड्स आ रहे हैं वो किसके हैं? एक है आपका नल का और एक है आपके खुद के मॉडल का. तो वो दोनों एक्सट्रैक्ट करा हमने, इधर एल वन एल टू में डाला, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट करा एंड उसको भी प्रूफ कर दिया. सो आप लोग लिखोगे विच इज हाईली सिग्निफिकेंट अंडर द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद 1 degrees ऑफ फ्रीडम, हेंस वी कैन से देयर इज अ ह्यूज इंप्रूवमेंट इन द मॉडल वंस यू टेक इनटू अकाउंट द इंटरैक्शन टर्म. दोनों तरीके से प्रूव कर दिया यूजिंग अ ग्राफ. एंड व्हेन यू से दैट यहाँ पे आपका खाली 7% इंप्रूवमेंट के अराउंड था आई गेस, और यहाँ आपका अराउंड 50% इंप्रूवमेंट था फॉर फीमेल्स.
ये डिफरेंशिएशन हम लोग को, ये आई थिंक आप लोग को आना चाहिए कॉक्स पढ़ने के बाद. लॉग लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट फिर भी यू कैन फॉरगेट, बट दिस यू शुड रिमेम्बर क्लियरली कि ये क्या है, इसको कैसे लिखते हैं. एक बार लिख लो और आंसर्स भी मैच कर लो. गो थ्रू करो सोल्यूशन.